में और ये मीटिंग शाम 7:30 बजे। हमने बीते दिनों में देखा है प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच बात हुई है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा जब ये क्वाड की मीटिंग होगी तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच किस तरह का इस मीटिंग में संवाद होता है, किस तरह की बात होती है। शाम 7:30 बजे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जिसके बारे में डिटेल्स जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, आप जानते हैं जापान ने सैंक्शंस लगाए, ऑस्ट्रेलिया ने सैंक्शंस लगाए हैं। भारत के अगर इस वॉर पर रुख की बात की जाए तो भारत ने फिलहाल अभी तक की अगर बात करें तो एब्सटेन किया है वोटिंग से यूएन में अलग अलग मंचों पर और तटस्थ रुख अख्तियार किया है। ऐसे में क्वाड की ये मीटिंग काफी अहम आप मान सकते हैं। सुरेश जी, आप इस मीटिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट में कहूंगा क्योंकि जो क्वाड के 4 मेंबर्स हैं उसमें से जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यूक्रेन के मामले में एक साइड पर है और ये जाहिर सी बात है कि इसमें यूक्रेन के बारे में बातचीत होगी और इंडिया उसमें अलग थलग पड़ेगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि कितने का प्रेशर पड़ता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया के ऊपर इस क्वाड मीटिंग में काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा। इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर की बात आप करें रोबिंदर सचदेव। या एब्सोल्युटली एम्बेसडर गोयल जैसे कह रहे हैं और एक हम मे बी देख सकते हैं कि इसके बाद क्या कोई नॉट जॉइंट स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट रिलीज होती है। अगर होती है तो उसके एक एक शब्द को केयरफुली पढ़ा जाएगा। अगर कुछ रिलीज नहीं होता है तब भी स्टिल कंडीशन है कि भारत के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स। इनफैक्ट आज ही स्टेट डिपार्टमेंट ने सेनेट फॉरेन कमेटी को बताया है कि भारत का हम S-400 खरीदने का मामला भी समझ रहे हैं, बट भारत ने कोऑपरेट करा है पिछले कुछ हफ्तों में मिग एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक मिसाइल्स और एक और कैटेगरी में कुछ बोले, इन तीन चीजों को उन्होंने रशिया से लेने से रोक लिया अपने को। तो ऑब्वियसली देखिए हमारे को मैग्नेटिज्म और पुश अमेरिका की तरफ मिलेगी, कुछ हमें काउंटर वहां रशिया के साथ भी करना होगा, इट्स डिफिकल्ट थिंग। बट कमिंग बैक टू द मिलिट्री यूक्रेन के में मेरा एक विचार है, बाकी जो भी हो जाए सीज फायर ये वो, रशिया एक इलाका कैप्चर करके अपने अपने अंदर मिला लेगा एंड दैट आई थिंक इज ये जो डॉनबास से आ रहा है ना ब्लैक सी के साथ साथ क्रीमिया के ऊपर ये वो ओडेसा खेरसों करके, ताकि ये पूरा एक बेल्ट हो जाए जो रशियन प्रॉपर्टी ओनरशिप हो जाए, कंट्री हो जाए और यूक्रेन हमेशा के लिए ब्लैक सी से लैंडलॉक हो जाए। बाकी जो भी अंदर हो देखा जाएगा, बट इस रीजन को रशिया वुड मे बी मिलिटरली लॉजिक बनता है कि लैंडलॉक कर दो फॉर एवर अंदर। अब इसके हमारी प्रो सरकार रहे ना रहे 50 साल बाद जो भी कुछ, बट ये हम इसको लैंड लॉक कर दें ब्लैक सी से। तो इतना जब अंदर आ गए तो कैसे कुछ सीज फायर और उसके बाद क्या गोइंग बैक तो बनता नहीं है, ये तो तभी होगा या टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर ज़ेलेंस्की टू रिजाइन सरेंडर, उसको भाई 72 घंटे दो, देश से बाहर जाए, अपनी कैबिनेट को ले जाए। अदरवाइज जो सुना जा रहा था और जो लॉजिकल भी बनता है, जब रशियन फोर्सेज अगर कीव में आई और जैसे तैसे ब्लड बाथ होगा कीव में छाए, दे विल गो एंड हंट आउट पिछली सरकार के इंटेलिजेंस चीफ, पुलिस चीफ, इंटीरियर मिनिस्टर इत्यादि इत्यादि, राइट? तो वो एक सिनेरियो है ये शायद। तो जो बैकग्राउंड से बात होगी तो रशिया प्रॉब्ली, देखिए मिंस एग्रीमेंट तो भूल जाओ जी, उस समय तो यूक्रेन देश था, आज तो यूक्रेन मतलब देश है और बड़ी अलग कंडीशन में है। रशियन फोर्सेज उसके ग्राउंड में है, उसकी टेरिटरी पे है, कुछ जगह कैप्चर कर चुकी है। तो यूक्रेन से अब जो बातचीत होनी है वो केवल फिलहाल सीज फायर की होगी। पहले चलो कम से सीज लड़ाई करो तो रुको, ब्लड बात तो रोको, राइट? अब उसको रोकने के लिए क्या कंडीशंस हैं और उसके बाद फिर क्या होना है, रूसी सेना वापस जानी है कि 60 किलोमीटर का ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जनरल मेस्टन, इस पर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। अपने अफगानिस्तान में टफ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का एक्सपीरियंस, लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है, आपसे मैं समझना चाहती हूँ सीज फायर जिसकी बात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो उसकी संभावनाएं आपको कितनी लगती हैं? और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रोबिंदर जी ने भी उठाया, ये दोनों बातें यूक्रेन बार बार कर रहा है, वो कह रहा है इमीडिएट सीज फायर और रशियन फोर्सेस का विड्रॉल। अदिति आपको याद होगा जो मैं पहला स्टेटमेंट दे रहा था, मैंने बोला था कि इस लड़ाई का एंड स्टेट क्या होगा और फिर मैंने बोला था बाद में बात करेंगे, तो इन्होंने वो एंड स्टेट मेरा तकरीबन बता दिया है। अभी इस पर गिव एंड टेक होगा, कोई डाउट ही नहीं अदिति, बिकॉज अब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस सबको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल रूस ने अभी काफ़ी अच्छा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस लिया,
उनको एज अ लेजिटिमेट प्रेजेंट घोषित करके और जो दो तीन चीजें मैंने बताई हैं। अब यूक्रेन को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बहुत हार्ड बार्गेनिंग होगी। एज ऑन डेट क्रिमिया उनके पास है, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पार्ट ऑफ रशिया है। अब आ जाइए डॉनबेस में, तो डॉनबेस में जो सदर्न इलाका है वो भी उन्होंने जो वहाँ पर काफ़ी फोर्सेस निकाली और वहाँ एक टाउन कैप्चर कर लिया है, तो खेरसोन, तो मेरे ख्याल ये वाला इलाका, और मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये भी शायद उनको शायद देना पड़े, होएगा नहीं वो मैं नहीं बता सकता हूँ। और जो डॉनबेस में खासकर जो डोनेट्स्क और लुगांस्क उसको भी, तो ये कुछ इलाका जो ईस्टर्न यूक्रेनियन का इलाका है और सदर्न, ये शायद कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस पे आएगा और तभी ये लड़ाई का हल हो सकता है। अदरवाइज वो मैं कोई फिर नहीं लगता है कि ये चलती रहेगी, क्योंकि उनको भी थोड़ा गिव करना पड़ेगा यूक्रेनियंस को, और टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज शायद करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक, आप जनरल मास्टर, मेरे पास आपके लिए एक और फॉलोअप क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मंजू जी का एक कमेंट यहाँ पर लेना चाहती हूँ। क्वाड की इम्पोर्टेंट मीटिंग मैम शाम 7:30 बजे, और जैसा कि अभी सुरेश जी ने भी पॉइंट आउट किया और अविंदर जी ने भी पॉइंट आउट किया, तीन कंट्री ऐसी हैं जो यूक्रेन के साथ खड़ी है, और भारत न्यूट्रैलिटी की बात कर रहा है, तटस्थता की बात कर रहा है। इस मीटिंग से, ये मीटिंग भारत के लिहाज से और इस वॉर के लिहाज से कितनी अहम है, इसके रेजोल्यूशन के लिहाज से? क्वाड वाली मीटिंग में क्योंकि इंडिया ने अभी तक एब्सटेन किया है, आपने देखा है इस मुद्दे पर, तो एक ही तरफ है और तीनों देश एक तरफ हैं, तो प्रेशर तो डालेंगे इंडिया पे कि अपना थोड़ा सा कहीं सपोर्ट दीजिए, बट इंडिया को समझाना पड़ेगा कि हमें बैलेंसिंग एक्ट अभी करना है। हम दोनों देशों के साथ, दैट इज रूस एंड यूएस और सब क्वाड मेंबर्स के साथ भी हम लोग अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, लेकिन प्रेशर तो जरूर डालेगा कि आप हमारी तरफ आइए और रूस को कंडेम करिए। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत हमारा भी जो स्टैंड है थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमने कहा है कि इमिजिएट सेसेशन ऑफ वॉर और रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक, जो हम डिप्लोमेसी की बात करें तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमने ये भी कहा है कि ये वॉर बंद होनी चाहिए और ये बिल्कुल हॉस्टिलिटीज जो हैं बंद होनी चाहिए। लेकिन और मुझे लग रहा है पीएम ने जब प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात की है तब भी उन्होंने कहा है, जो रिपोर्ट आई है कि उनको कहा है कि ये वॉर आपको जो अटैक्स हैं बंद करने चाहिए और साथ ही में जो नेगोशिएशंस हैं और डिप्लोमेसी को चांस देनी चाहिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां के लिए सेफ पैसेज, तो ये सब मुद्दों पर बात हुई थी। और क्वाड में जो बात होगी, जैसे और पैनलिस्ट ने भी कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि रूस की तरफ से या रूस का पॉइंट ऑफ व्यू, जो सिक्योरिटी उनका एंगल है, शायद इंडिया उसकी बात करेगा कि उनके सिक्योरिटी की भी, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि उनका भी सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस किया जाए, तो शायद कोई निष्कर्ष निकले इन बातों से।